हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GDS एजुकेशनल एकेडमी। सो आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों MSc 109 रिसर्च एंड मेथड्स इन इकोनॉमिक्स के 12वें असाइनमेंट। तो जिन बच्चों ने दोस्तों जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है, जुलाई सेशन 2021 और जनवरी 2022, ठीक है, मतलब जो इनमें एडमिशन लेंगे, तो जुलाई 2021 वालों को अपना असाइनमेंट 31 मार्च को सबमिट कराना होगा, और जो जनवरी 2022 के सेशन के होंगे दोस्तों उनको असाइनमेंट अपना 30 सितंबर 2022 तक क्या करना होगा, सबमिट कराना होगा। तो दोनों के दोनों दोस्तों असाइनमेंट सेम ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा, जुलाई सेशन वालों का और जनवरी सेशन वालों का। तो अगर आप दोस्तों इसके 16 असाइनमेंट बाहर से मार्केट से खरीदते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट देनी होगी दोस्तों, बट यहाँ पर मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए असाइनमेंट 12 असाइनमेंट प्रोवाइड लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों, इसके साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बच्चे दोस्तों अपना असाइनमेंट सही समय पे पूरा कर सके और टाइम पे अपना असाइनमेंट सबमिट करा सके। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इग्नू में असाइनमेंट के मार्क्स दोस्तों आपके सबमिशन डेट पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो आपने फर्स्ट जो आपकी लास्ट डेट है उस टाइम उससे पहले आपने सबमिट करा दिया तो डेफिनेटली आप ज़्यादा स्कोर करोगे इन कंपैरिजन जो बाद में डेट एक्सटेंड होने के बाद जो सबमिट कराते हैं, है ना, क्योंकि प्रोसेस में भी जल्दी आपका असाइनमेंट होगा और उसमें आपको नंबरिंग भी ज़्यादा मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी MSc इकोनॉमिक्स अपनी फर्स्ट डेट में ही सबमिट कराई है, तो मेरे सब में असाइनमेंट में 80+ मार्क्स दिए हैं इग्नू वालों ने। तो आप भी यही करिएगा, आप फर्स्ट जो आपकी लास्ट डेट रहेगी कोशिश करिएगा उसके से पहले आप सबमिट करा दो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका है MSc 109 सेशन, आपका है दोस्तों 21-22 जुलाई 2021-22 के लिए। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। फर्स्ट सेशन में मेनली आपके 2 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के दोस्तों, और बी सेक्शन में 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे 500 वर्ड्स में। तो मैं मेनली आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने असाइनमेंट को बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। दिस इज योर सेक्शन बी, अब यहाँ से दोस्तों आपका आंसर स्टार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका सेक्शन ए में, इसका आंसर मैंने नीचे ही प्रोवाइड किया है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा फ्रेंड और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको जल्द ही बाकी एस वाले सेगमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे मैं आपके लिए नेक्स्ट असाइनमेंट लेके आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और अपना असाइनमेंट आप टाइम पर कर सकें। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ये यहाँ से सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों आंसर नहीं मिल पाया है मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द मैं इसे अपलोड कर दूँ, अदरवाइज़ आप भी सर्च करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा फ्रेंड। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4th, यहां से आंसर स्टार्ट है आपका। मुझे दोस्तों कोई पेमेंट नहीं चाहिए, आप
प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बस शेयर करिएगा। बस सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि बच्चों का टाइम बचे दोस्तों और पैसे बचे और अपना असाइनमेंट वो सही समय पर सबमिट करा सके। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्रेंड। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर लास्ट सेवन्थ है आपका। डिफरेंस बताना है आपको कोई भी तीन के। ठीक है, पांच दिए हुए थे आपके असाइनमेंट में तो मैंने तीन के आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया है दोस्तों। नाउ ये आपका सेकंड डिफरेंस है पैरामीटर और रेशियो में। एंड दिस इज योर लास्ट डिफरेंस। ओके फ्रेंड, तो ये आपका पूरा सॉल्व असाइनमेंट था दोस्तों। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी और अपना असाइनमेंट आप सही समय पर सबमिट करा सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं हम अपने इसके नेक्स्ट असाइनमेंट सॉल्व असाइनमेंट के साथ। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।